सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रल प्रोसेसर और मेन प्रोसेसर। बेसिकली सीपीयू को हम लोग सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं और अपने सिस्टम का मेन प्रोसेसर यूनिट भी कहते हैं। सीपीयू इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है विद इन अ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस दैट मेक अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट है जो आपके कंप्यूटर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको रन करने के लिए काम करता है। हम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल प्लस, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, अपने कंप्यूटर में कैलकुलेटर यूज करते हो, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोसेस करने के लिए कोई चीज चाहिए, तो वो जो प्रोसेसिंग का काम कर रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोल देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपके कंप्यूटर का मेन पार्ट है जिसको हम लोग ब्रेन भी कहते हैं, कि आपके सिस्टम का जो ब्रेन है वो क्या है, सीपीयू है, इसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके पास दो यूनिट के ऊपर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज कंट्रोल यूनिट एंड सेकेंड वन इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये दोनों यूनिट जब कम्प्लीट मिलते हैं तो आपके पास सीपीयू क्रिएट होता है जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। व्हेन प्रोसेसिंग, अगर आपके वेयर आपकी प्रोसेसिंग कहाँ पे अकर हो रही है, फर्स्ट कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, मशीन साइकिल। आपके कंट्रोल यूनिट में आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में हो रही होती है, एंड मशीन साइकिल होता है कि आपके मशीन में पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है। प्रोसेसिंग टेक प्लेस द पीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग आपके सिस्टम के अंदर होती है वो सारी की सारी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही हो रही होती है और कहीं भी नहीं हो रही थी। अगर आप लोग कीबोर्ड से या माउस से कोई क्लिक भी करते हो वो प्रोसेसिंग भी आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही होती है। द सिस्टम मेमोरी आल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोसेसिंग डेटा। जो आपकी सिस्टम मेमोरी है वो भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर रहे होते हैं जब आपका डेटा प्रोसेस हो रहा था, क्यों, आपका अगर रिजल्ट आ भी रहा है तो उसको टेम्परेरी तौर पे कहीं सेव होना है, अगर आप कोई डिजिट दे रहे हो उसको भी कहीं सेव होना है, तो इसलिए जो मेमोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ सीपीयू एंड द मेमोरी आर अटैच्ड टू द सिस्टम मदरबोर्ड। बेसिकली आपके पास सीपीयू और जो मेमोरी है वो आपके सारे के सारे मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है, विच कनेक्ट ऑल द कंप्यूटर डिवाइसेस टुगेदर। बेसिकली जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर आपके पास रैम भी होगी, आपके पास सीपीयू भी होगा और बहुत सारी जितनी भी बसेस होती है, ये सारी की सारी आपकी मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होती हैं और ये कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, एनेबलिंग देम टू कम्युनिकेट, ताकि ये एक दूसरे से कम्युनिकेट इजीली कर सकें। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मदरबोर्ड पे ही सारे के सारे सीपीयू, मेमोरी और प्रोसेसर अब वहीं पे अटैच कर देते हैं, ताकि ये इजीली एक दूसरे के साथ कनेक्ट भी हो जाए और एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेट भी कर सकें। हियर इज अ पिक्चर, ये मदरबोर्ड की फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास पिक्चर है, इसमें आपके पास मेमोरी भी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी है और अब जितनी भी आपके पास बाकी प्रोसेसर होते हैं वो भी सारे आपके पास मदरबोर्ड के ऊपर अटैच होते हैं और आपके पास रैम, सीमोस, मेमोरी भी यहाँ पे सारे अटैच होते हैं मदरबोर्ड के। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, फर्स्ट हम लोग आपका कंप्यूटर में डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है वो है कंट्रोल यूनिट। The two main part of CPU are control unit and the arithmetic logical unit. आपके दो main parts हैं CPU के, एक control unit है, दूसरा arithmetic logical unit है। The control unit direct the flow of data through the CPU and to and from other devices. Basically क्या कर रहा है control unit, ने क्या काम करना है, सिर्फ आपका data लेना है, flow करना है एक point से दूसरे point पे। हाँ, अगर किसी device से data भी ले रहे तो वो भी क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप यूएसबी अटैच करते हो, अगर यूएसबी से भी डाटा फेच करना है वो पहले आप यूएसबी में जाएगा, यूएसबी से जाने के यूएसबी से आपका डाटा पहले लिया जाएगा, फिर उसी डाटा को हम आपका सीपीयू उसके ऊपर वर्क करेगा और उसको अपनी मेमोरी में, रैम में या रजिस्टर या कैशिंग में स्टोर करेगा। द कंट्रोल यूनिट स्टोर द सीपीयू माइक्रो कोड्स। आपका जो कंट्रोल यूनिट होता है वो बेसिकली क्या है, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माइक्रो कोड्स को स्टोर करते हैं, विच कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल द टास्क द सीपीयू कैन परफॉर्म। उस माइक्रो कोड्स में क्या होती है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को परफॉर्म करनी होती है। ये बेसिकली आपके पास साइकिल है, इनपुट डिवाइस है, आपके पास माउस हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, हम यहाँ से जो भी एक्शन देंगे, अगर माउस से कोई स्ट्राइक करते हैं या कीबोर्ड से किसी भी बटन पे स्ट्राइक करते हैं, देन वो कंट्रोल यूनिट, अगर उसके अंदर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस का या मल्टीप्लीकेशन का है तो वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में जाएगा, नहीं अगर हमें सेव करना होगा तो हम मेमोरी में सेव करेंगे, मेमोरी में सेव करने के बाद फिर आपको आउटपुट मिलती है। अब एक्चुअली इसकी वर्किंग कैसे होती है, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से 7 प्लस 3
लिखती हूँ, 7+3 लिखती हूँ, जैसे मेरे कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट क्या फाइंड करेगा कि इसके अंदर अथमेटिक ऑपरेशन है, वो फॉरन अथमेटिक लॉजिकल यूनिट को पास कर देगा। अथमेटिकल लॉजिकल यूनिट 7+3 को लेगा, उसके ऊपर जो भी एक्शन है वो परफॉर्म करेगा, फिर वापस कंट्रोल यूनिट को आएगा। कंट्रोल यूनिट के पास आने के बाद हमारा ही जो रिजल्ट होगा वो मेमोरी में स्टोर होगा, मेमोरी में स्टोर होने के बाद अगेन कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, एंड देन कंट्रोल यूनिट आपको आपके आउटपुट डिवाइस के ऊपर शो करवाएगी। ये बेसिकली मेन वर्किंग हो रही होती है आपके सिस्टम की। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट करता है क्या, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। बेसिकली इसके 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। फेच, फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को फेच करते हैं। ऑब्टेन अ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और डेटा आइटम फ्रॉम मेमोरी, हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम लिखा है या कुछ किया है उसको हम लोगों ने अपनी मेमोरी से फेच कर लेना है। डिकोड, ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस इनटू कमांड, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसी कोड को ट्रांसलेट कर देते हैं, क्यों, ये तो बेसिकली हमारे पास हमारी फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा होता है तो हमारा जो कंप्यूटर है वो 0-1 को ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो डिकोड टाइम पे क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होता है उसको 0-1 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन एग्जीक्यूट, थर्ड वन इज एग्जीक्यूट कैरी आउट द कमांड, जैसे ही आपका कोड डिकोड हो जाएगा तो उस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। एंड जब जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी रिजल्ट आएगा, राइट द रिजल्ट टू द मेमोरी, जो रिजल्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेंगे। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, द एक्चुअल मैनिपुलेशन ऑफ डेटा टेक प्लेस इन द ALU, जो आपके पास एक्चुअली मैनिपुलेट हो रहा होता है डेटा, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन है या पावर का कोई भी ऑपरेशन यूज हो रहा है तो वहां पे आपका डेटा क्या है मैनिपुलेट हो रहा है। अगर आप 7+3 कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास आंसर में 10 आना चाहिए, तो वो वहां पे हम लोग डेटा को क्या करें मैनिपुलेट कर रहे हैं। The ALU can perform arithmetic and logical operations. Basically, जो arithmetic logical unit है, वो तो operations जो perform कर रहा होता है, वो arithmetic operations होते हैं या logical operations होते हैं। The ALU is connected to the set of registers, small memory areas in the CPU, which hold the data and program instructions while they are being processed. Basically, जैसे ALU होता है, वहाँ पे आपके पास अगर कोई information 7+3 भी जा रहा है, तो वो वहाँ पे कुछ time के लिए store करना पड़ता है। तो ALU के साथ ही हमारे register set किए जाते हैं। वो रजिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली रजिस्टर एक स्मॉल मेमोरी एरिया होता है जहाँ पे आपका डेटा टेम्परेरी तौर पे हम लोग सीपीयू टेम्परेरी तौर पे स्टोर करवाते हैं, ताकि अगर सीपीयू प्रोसेसिंग करे तो वो इजीली वहीं से डेटा को असेस करे और वहीं पे प्रोसेसिंग करे, विच इजीली प्रोसेस कर सके। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर 7+3 है तो ALU के पास जैसे ही डेटा जाएगा, पहले 7 जाएगा, फिर प्लस जाएगा और फिर 3 जाएगा, ये डेटा आपके रजिस्टर्स में सेव हो जाएगा। जैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा 10, वो पहले उसके ALU के रजिस्टर में सेव होगा, जैसे ही ALU के रजिस्टर में सेव होगा फिर वो आगे कंट्रोल यूनिट से फिर मेमोरी के पास जाएगा और फिर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिकली जो अर्थमेटिक लॉजिक एंड लॉजिकल यूनिट होते हैं, ये आपके पास ऑपरेशन होते हैं, सब अर्थमेटिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल देन, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास एंड और नॉट। ये लिस्ट है ALU ऑपरेशन लिस्ट की, अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस एडिशन इसमें और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड रेस बाय पावर, पावर के लिए होते हैं लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन लेस देन नॉट लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड नॉट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन और नॉट इक्वल और नॉट लेस देन, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है हम लोग ALU के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, मशीन साइकिल है। अब आप मशीन साइकिल को अंडरस्टैंड करें कि ये मशीन साइकिल कैसे वर्क करता है। सीपीयू फॉलो अ सेट ऑफ स्टेप्स कॉल्ड अ मशीन साइकिल, आपका जो सीपीयू है वो बेसिकली स्टेप्स को फॉलो करता है, उस स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं मशीन साइकिल कहते हैं। फॉर ईच इंस्ट्रक्शन कैरी आउट, आपकी सारी इंस्ट्रक्शन जो कैरी आउट हो रही है बाई यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड पाइपलाइनिंग, ये जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं इसको बेसिकली हम लोग क्या कह रहे थे पाइपलाइनिंग होती है। मैनी सीपीयू कैन प्रोसेस मोर देन वन इंस्ट्रक्शन एट टाइम, अब ये नहीं हो सकता कि आपका सीपीयू एक ही इंस्ट्रक्शन एक टाइम पे कंप्लीट करे, बल्कि क्या होता है कि आप हमारे जो सीपीयू होते हैं एक टाइम पे 4 इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर रहे होते हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं और उनके जो भी रिजल्ट होते हैं वो हमें शो करवा रहे होते हैं। द मशीन साइकिल्स इंक्लूड टू स्मॉलर साइकिल्स, बेसिकली जो आपके मशीन साइकिल होते हैं 2 स्मॉलर साइकिल्स में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट वन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन साइकिल द सीपीयू फेच कमांड आर डेटा फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड इट फॉर द सीपीयू। फर्स्ट जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है उसमें क्या करता है आपका सीपीयू जस्ट मेमोरी से डेटा को फेच करता है और उसको डिकोड कर दिया जाता है। सेकंड, एग्जीक्यूशन साइकिल, एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है सीपीयू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन हमारे पास डिकोड हो चुकी है उसको कैरी करता है और उन्हीं जो भी रिजल्ट होता है और उन इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट जो रिजल्ट होता है उसको आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर करवा देता है।
सीपीयू के दो, सीपीयू के जो हमारे पास फोर स्टेप्स हैं, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर, उसको हम लोगों ने दो स्मॉलर साइकिल्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन साइकिल एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूशन साइकिल। जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसमें हम लोग फेच और डिकोड कर रहे होते हैं, जो एग्जीक्यूशन होता है उसमें हम लोग एग्जीक्यूट एंड स्टोर कर रहे होते हैं। ये एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अ स्टूडेंट एंटर अ मैथ प्रॉब्लम इन टू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आप स्टूडेंट है, उसने कोई भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम है उसको मेमोरी कंप्यूटर में दिया है। फर्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिया 100 × 52। अब ये 100 × 52 जैसे आप कंप्यूटर से लिखोगे ये क्या होगा, फेचिंग हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। द कंट्रोल यूनिट फेच द मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम मेमोरी, आपकी मेमोरी से उसने क्या किया, आप इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लिया। सेकेंड क्या होगा, आपके पास डिकोड होगा, द कंट्रोल यूनिट डिकोड द मैथ प्रॉब्लम एंड सेंड इट टू द एएलयू। अब यहाँ पे क्या है, 100 × 52 है, बीच में जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का, इसका मतलब ये हमारे पास अथमेटिक एएलयू यूनिट के पास जाएगा। तो हमारा सबसे पहले इसको हम लोगों ने डिकोड कर दिया, इसको 1010 फॉर्मेट में कर दिया और इसको सेंड कर दिया एएलयू के पास। सेकेंड स्टेप क्या है, द एएलयू एग्जीक्यूट द मैथ प्रॉब्लम। अब एएलयू के पास आ गए, इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। 100 × 52 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 52 हो जाएगा। जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसको वापस हम लोग क्या करेंगे, द रिजल्ट ऑफ मैथ प्रॉब्लम आर स्टोर्ड इन मेमोरी। आपका रिजल्ट जो है वो पहले मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, मेमोरी में स्टोर करने के बाद ये रिजल्ट जो है आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा।